के क्या न्यूज़ में। बैरागढ़ एसडीएम की भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 15,000 वर्ग फुट से हटाया एसडीएम ने भू माफिया का कब्जा। वहीं भूमि स्वामी का बयान सामने आया कि भूमि स्वामी ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, इस भूमि पर हमारी 4 पीढ़ियां रहती आ रही हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है सन 1901 से है, लगभग 100 साल बीत चुके हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है मगर प्रशासन की गुंडागर्दी हमें सर असर देखने को मिली। जिस तरह हमारी जगह जगह पर प्रशासन ने कब्जा किया, ना तो हमें कोई किसी तरह का नोटिस किया गया और ना ही हमें बताया गया कि यहाँ से हमें सामान हटाना है, जिससे हमारे लाखों रुपए का नुकसान भी किया गया। साथ ही साथ हमारा रोजी रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ था, वह भी हमसे छीन लिया गया। अब हम सड़क पर आ गए हैं, वहीं हमारे पास हमारी भूमि के सारे पेपर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के आदेश भी हैं। वहीं बात करें तो हमारे पास हिबानामा भी मौजूद है उस दौर का, मगर उन सबको साइड में रखते हुए हमारी भूमि पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया है। भोपाल से हमारे संवाददाता आदिल खान की खास रिपोर्ट। सिफुल्ला खान, कहाँ रहते हैं? मैं 12 महल पुरानी अदालत के सामने रहता हूँ। क्या परेशानी है भाई? परेशानी ये है कि बीडीए ने विकास प्रकरण के नाम पे अपना जो विकास कर रहा है यहाँ पे, उसमें हमारे पास आए और आगे हमारी पूरी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। ये परेशानी है, उस परेशानी को आप लोगों से डिस्कस करना है। तो ये कब की आपकी प्रॉपर्टी कब से है, क्या हमारी प्रॉपर्टी? साहब सन 1 से 1901 से, और हम तीसरी चौथी पीढ़ी है हमारी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और हम लोग, हमें ये कहा गया कि आप भू माफिया हैं, हमने सरकारी ज़मीन पर से कब्ज़ा हटाया है। सरकारी ज़मीन ये है ही नहीं। जिस ज़मीन पे इन्होंने वो किया है उस पे उसके पेपर्स वगैरह, हाँ सब है हमारे पास, हिबे नामे हैं, सारी चीज़ें हैं, और पीडब्ल्यूडी का सब लिखा हुआ है, सब है हमारे पास। कैसे कोई नोटिस वगैरह जारी किया? कोई नोटिस जारी नहीं किया कभी हमें, आज तक कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। जी मेरा नाम है नाहिद जी। ये बताइए कि क्या, कब से रह रहे हो आप यहाँ? हमारी शादी को 45 साल हो गए, 50 ही होने वाले हैं। जब हमारी 77 में शादी हुई थी, जब से हम यहीं पर हैं, और उसके बाद ये बच्चे वगैरह सब यहीं है। हमारा हर रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, नगर निगम का बिल, बिजली के मीटर वगैरह, ये सब हमारा अपने नाम में है। प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे मियाँ के नाम, 3-3 मीटर हैं बिजली के, सब तोड़ के ले गए, वो सब बिजली के बिल भी ले गए, बस जो घर में लगा था वो मीटर रह गया, बाकी बिल भी ले गए, सामान भी ले गए, नल का सामान नीचे सब दग गए। नुकसान करा हमारी रोजी। अब ना कैमरे ले गए सारे निकाल के, जो कैमरे ले गए जी, कैमरे भी ले गए, और पानी दब गया, नल तो नल ही नहीं आया आज पानी का। प्यासे प्यासे हैं हम लोग, पानी तक नहीं, बैठे हम लोग, बच्चे परेशान हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, कोर्ट हमारे लिए हमारे इंसाफ करे। सर ये आज ये कार्रवाई करी है शारनामा क्षेत्र में, कैसी कार्रवाई है? लगभग 15,000 वर्ग फुट नजूल भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा दुकानें बनाकर एवं स्थायी निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था, जिन्हें तहसीलदार के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए गए थे। बेदखली के आदेश पारित करने के बाद उन्हें 7 दिन का औसत स्वयं हटाने के लिए दिया गया था। उनके द्वारा न हटाने के द्वारा हम लोगों के द्वारा मिलकर ये अतिक्रमण हटाया गया है। सर ये आदेश कब दिए गए थे, इनको नोटिस कब दिए गए थे? आदेश इनको नोटिस जो दिए गए हैं 8-9 दिन पहले दिए गए हैं। एक्यूरेट में कोई जब मतलब वो याद नहीं है, डेट याद नहीं है, पर इनको तामीली के 7 दिन बाद जी ये हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये इनका बहुत पुराना या इस पे कब्जा था या इनके पास कुछ पेपर है? सब कुछ देखने के बाद ही तहसीलदार महोदय ने गुण दोषों के आधार पर आदेश पारित किया। तो सर यहाँ कितने लोगों पर, कितनी जमीन पर 1500 स्क्वायर फीट? लगभग 15,000 स्क्वायर फीट बता रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पर है सर ये बताएंगे? 15,000 स्क्वायर फीट ये सामने पड़ी हुई है जी, इस घर के बाजू में जो आपने जमीन देखी होगी है ना, तो आप मौके पे देखें, दोनों जो जमीन है इस दोनों को मिला के 15,000 स्क्वायर फीट होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।